मात्र 10 महिलाओं ने जाम कर दिया। जाम मात्र एक सड़क जीडी बिरला रोड को किया गया था। इस तरीके के प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि दिन में सैकड़ों होते रहे हैं। 3 महीने से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चलता रहा। 6 लेन के एक्सप्रेसवे को मात्र 10 महिलाओं ने जाम कर दिया, और जाम भी ऐसा कर दिया कि 101 दिन तक दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की आवाजाही बिल्कुल बंद रही। जाम मात्र एक सड़क जीडी बिरला रोड को किया गया था, मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी मदद करते हुए आसपास की भी सारी रोड्स जो दिल्ली नोएडा के बीच में थी उन सबको खुद अपनी मर्जी से बैरिकेड करके उनके रास्तों को रोक दिया। इस तरीके के प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि दिन में सैकड़ों होते रहे हैं। कोई बिजली के लिए करता है, कोई पानी के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, कोई तनख्वाह के लिए करता है, कोई कूड़े के लिए करता है। विकलांग लोग अपने प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, किसान प्रोटेस्ट करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करते हैं, मगर मुझे नहीं याद कि एक दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट किसी का दिल्ली पुलिस ने टिकने दिया हो। मगर ये प्रोटेस्ट 101 दिन, 3 महीने से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चलता रहा। और ये ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था कि कुछ लोग आए और यहां पे जम के बैठ गए। इसमें बाकायदा ड्यूटी लगती थी। लोग आते थे, सुबह से शाम तक बैठते थे, फिर घर जाते थे, खाना वाना खा के अगले दिन आते थे, फिर बैठते थे। कुछ लोग रात को बैठते थे। हमने भी प्रोटेस्ट किए राजनीतिक तौर पे। हम अगर आज जंतर मंतर का आह्वान कर दें तो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर जाने वाली सारी रोड्स को जाम कर देगी, वहां के मेट्रो स्टेशन को बंद कर देगी ताकि हम लोग वहां ना पहुंच सके। मगर ये आवाजाही 3 महीने तक चलती रही, दिल्ली पुलिस इसको कराती रही, उन्हें इसको रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम ये बात हमेशा कहते रहे कि दिल्ली पुलिस जिस दिन चाहेगी, केंद्र सरकार जिस दिन दिल्ली पुलिस को कह देगी ये प्रोटेस्ट हटाओ, वो प्रोटेस्ट हट जाएगा। मगर दिल्ली पुलिस को इस प्रोटेस्ट को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस ने कभी लोगों को रोका नहीं, टेंट्स लगाए गए, पुलिस ने उनको रोका नहीं। करीब करीब 1 लाख व्हीकल्स रोज परेशान होते थे, दिन भर व्हाट्सएप पे आता था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब हम लोग क्योंकि राजनीति के अंदर हैं, और जो लोग राजनीति में नहीं भी होंगे वो ये बात जानते हैं कि अगर किसी का मर्डर हो गया तो पुलिस कहती है कि भाई इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा किसका है वो बताओ, सबसे पहले तहकीकात उससे शुरू करेंगे, क्योंकि मर्डर हुआ है तो फायदा किसी का हुआ होगा, वो कौन है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने वो अपने मन में सोचें इस बात को, शाहीन बाग के पूरे मामले से किसको सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ हुआ? कांग्रेस को हुआ, समाजवादी पार्टी को हुआ, टीडीपी को हुआ, आम आदमी पार्टी को हुआ, या भाजपा को हुआ? आप सब जानते हैं मन में शाहीन बाग का राजनीतिक फायदा किसको हुआ और किसने इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का चुनाव बिजली पे लड़ा जाता था, पानी पे लड़ा जाता था, सड़क पे लड़ा जाता था, पोल्यूशन पे लड़ा जाता है, डेंगू पे लड़ा जाता है, एमसीडी की बातों पे लड़ा जाता है। मगर इस बार दिल्ली का चुनाव जो भाजपा ने लड़ा वो इन मामलों पे नहीं लड़ा, उन्होंने ये चुनाव लड़ा शाहीन बाग के ऊपर। और ये जो चुनाव की स्ट्रैटेजी होती है ये कोई ऐसे ही नहीं कि कोई प्रवेश वर्मा नाम का आदमी इस स्ट्रैटेजी को बना ले या कोई अनुराग ठाकुर इसका फैसला कर लेगा। ये बाकायदा बैठ के हाई लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि इस चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, इसका युद्ध कौशल क्या रहेगा, इसकी कपट नीति क्या रहेगी। और ये बाकायदा बनाया गया कि दिल्ली का चुनाव भाजपा शाहीन बाग के ऊपर लड़ेगी, और ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट किया गया, कौन क्या बोलेगा, कौन किसको गाली देगा, कौन किससे बदतमीजी करेगा, फिर अगला कौन आदमी बदतमीजी करेगा, फिर क्या कहा जाएगा, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई। और उस स्क्रिप्ट के कुछ छोटे मोटे पात्रों के बारे में मैं बता दूं,